जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नॉलेज E24 में स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे AAI ATC के स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा कमेंट आया हुआ था, तो उन सारे का सॉल्यूशन हम अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जैसे ही रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहले हम इसका रिज़ल्ट भी लाए हुए थे। अब देखिए, स्टूडेंट के द्वारा उसी वीडियो पे बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो बनने लगे और बहुत सारे कमेंट आने लगे, तो उसी का सॉल्यूशन देखिए इस वीडियो में लाए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या और लिस्ट आएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, और लिस्ट आएगा या नहीं, ATC रिज़ल्ट कट ऑफ में क्या खेला हुआ। तो चलिए इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भी अब होगा, जाने कैसे। तो देखिए, जैसा कि हम लिखे हुए थंबनेल पे, और सारे यूट्यूबर की तरह नहीं लिख दिए, इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो दोस्तों अभी देखिए हम बताने वाले हैं, जो रिज़ल्ट नहीं देख पाए वो क्या करें। तो दोस्तों सभी का सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं और लिस्ट आएगा या नहीं। चलिए इसका हम लोग अभी सॉल्यूशन जानते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि इससे जुड़ी क्यों ना छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपके बीच ला सके और आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। तो देखिए सबसे पहले ये कुछ रिजल्ट आया था, ठीक है। तो देखिए अब और लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, देखिए आपको खुद यहाँ पे सोचना है कि और लिस्ट आने वाला है या नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव का 400 पोस्ट था। जी हाँ दोस्तों, 400 पोस्ट था, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया हुआ है, टोटल रिज़ल्ट जो है वो 621 स्टूडेंट का आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगर आपको डाउट्स है तो आप लोग बाद में काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या आप लोग साइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस रो में 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, और ये सारा मिला के जो फर्स्ट वाले में है 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, 105 हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे देखिए जो सारा मिला के 32 है और 5 टोटल यहाँ पे है, तो 30 × 5 कर दीजिए, 160 हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें 160 है तो इस पेज में भी कितना होगा, 160 ही होगा, क्योंकि सेम इसमें भी 32 यहाँ पे दिए गए हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसमें भी 160 हो गए। अब नीचे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे मिला के जो हैं वो 20 यहाँ पे हैं, जिनमें कि सारे में से 5 नहीं है, 1, 2, 3, 4 इसमें से कम है, तो 20 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो कितना हो जाता है, 200, और इसमें से हम लोग 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारे को जब ऐड करते हैं तो 625 आता है, 625 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 621 मेरा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग काउंट खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या और लिस्ट आएँगे या नहीं आएँगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटा से छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो। अगर पोस्ट 400 है तो मिनिमम 400 का 2 गुना तो विभाग को फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में लेना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। ऐसे तो 3 गुना लिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा जाता है 3 गुना, आप लोग नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 1200 स्टूडेंट को लेना चाहिए था। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर विभाग को बहुत जल्दी सिलेक्शन करना है, तो इनमें से मान लेते हैं कि कम से कम 2 गुना 800 स्टूडेंट को तो यहाँ पे लेना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, मात्र 521 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अभी मिनिमम एक लिस्ट तो और आएगा ही आएगा, इसका बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गया है, और फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जा सकता है। पिछले बार इसका जो वैकेंसी था, वैकेंसी भी कम था, फिर भी इसका जो कट ऑफ गया था मात्र यहाँ पे 91 गया था, वो भी जनरल का, ठीक है, और मेरिट लिस्ट 93 या 92 पे अप्रोक्स शायद बना हुआ था। तो ये आप लोग देख, 93 पे सॉरी बना हुआ था, तो ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है और
यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी भी पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा है, और पिछले बार दो लिस्ट दिया गया था, दो या तीन लिस्ट दिया गया था, ये आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जाके, क्योंकि पिछले बार जो वीडियो बनाए होंगे उन पे ज़रूर दिया हुआ होगा। तो इस आधार पे देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि अभी मिनिमम एक लिस्ट तो और आएगा ही आएगा, चाहे हो सकता है उसमें कम स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट का ही क्यों ना पीडीएफ दे, बट आएगा ही, क्योंकि आपको किस प्रकार आने वाला है आप लोग खुद अपना कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। अब देखिए परसेंटाइल में अगर 99.82 जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया है। ये आप लोग बिल्कुल, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपकी गलती नहीं है, इस विभाग की गलती है, इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है। और इससे कम नंबर वाले जो थोड़ा बहुत हैं उनका भी एक लिस्ट आने वाला है, उनका भी उसमें सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो हम बताए हुए हैं ये अपने मन से नहीं बताए हुए हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात करने के बाद ये वीडियो लाए हुए हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दो दिन का टाइम लग गया है वीडियो लाने में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि दो दिन तक रुके हुए हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिए होंगे, तभी आपके बीच वीडियो लाए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो रिज़ल्ट नहीं देख पाए वो क्या करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था कि सर हम रिज़ल्ट नहीं देख पाए, मेरा जो एडमिट कार्ड है वो खो गया, अब कैसे देखना है। तो देखिए जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनके ईमेल पे मैसेज चला जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपके ईमेल पे मैसेज गया तो आप लोग सिलेक्टेड हैं, अदरवाइज आप लोग सिलेक्टेड नहीं है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है, आप लोग यहाँ से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। बट जिनको लगता है कि नहीं हमें पीडीएफ में भी चेक करना है तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए उनके ईमेल पे ही, अगर आपके पास ईमेल भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एटीसी को उसके बाद ईमेल करना पड़ेगा, और ईमेल का रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा इसमें हम लोग 100% श्योर नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन बट जिनके पास ईमेल भी नहीं पता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर AICT का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ईमेल दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग कमेंट या वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के सेंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास ईमेल पता है तो ईमेल पे देखिए अगर आपको रोल नंबर भी खोजना है तो आप लोग जिस टाइम फॉर्म भरे होंगे तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगर अभी भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम फिर से जो इन्फॉर्मेशन होगा वो ज़रूर हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आपके बीच ज़रूर लेते आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।